नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। अब डालेंगे देश भर की खबरों पर फटाफट एक नजर। तो सबसे पहले बात करते हैं ओडिशा की खबरों की। तो अब बढ़ेंगे ओडिशा की खबर की तरफ। ओडिशा में पुरी के पीपली में विधायक रुद्र प्रताप महारथी ने इलाके में सरकारी स्कूल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में दिए जा रहे मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता की जांच की और खुद ने भी भोजन खाया। उन्होंने बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर दाल चावल खाए। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता को शानदार बताया और भोजन बनाने वालों की प्रशंसा की। दौरे के दौरान विधायक ने स्कूल की समस्याओं को लेकर हाल जाने उन्हें जल्द दूर करवाने का आश्वासन दिया। इधर रायगढ़ जिले के कोलनारा प्रखंड में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मीट्स इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद एक पिकअप वैन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने परिजनों के साथ मिलकर मुख्य मार्ग जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे SDPO और पुलिस अधिकारियों ने लोगों से समझाइश की और शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अब उत्तर प्रदेश की खबरों पर नजर डालेंगे। यूपी के महोबा में राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने राज्य सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को लेकर प्रेसवार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार के पिछले 100 दिन और भविष्य को लेकर कार्य योजना के बारे में जानकारी दी। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा सदस्यों की योग्यता को बेहतरीन बताया। उन्होंने कहा कि भाषण देने वालों को भाषण सुनाना सबसे कठिन काम है, इसलिए सभी विधायक विधानसभा के प्लेटफॉर्म का उपयोग करें जिससे विधायकों की प्रतिभा का लाभ जनता तक पहुंच सके। साथ ही उन्होंने विधायकों से अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास कार्य कराए जाने की अपील की। उत्तर प्रदेश के बस्ती में जिला अधिकारी की ओर से मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक कराने का अभियान शुरू किया गया। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि वे खुद आगे आकर अपने मतदाता पहचान पत्र का आधार कार्ड से लिंक करा लें जिससे देश में होने वाले फर्जी मतदान को पूरी तरह रोका जा सके। इधर लखनऊ में बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर मंगलवार को ADG ट्रैफिक पुलिस इसका जायजा लेने निकली। उन्होंने हजरतगंज चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में अहम निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने लखनऊ के निजी स्कूलों के प्रबंधकों की बैठक भी ली और स्कूल के बाहर लगने वाले जाम को खत्म करने की दिशा में योजना बनाने के निर्देश दिए। रायबरेली में ACB ने फाइल पास कराने की एवज में रिश्वत लेते एक बाबू को गिरफ्तार किया। घूसखोर खादी ग्रामोद्योग विभाग में बाबू के पद पर कार्यरत है। राणा नगर निवासी बाबू दलालों के माध्यम से फाइल पास कराने के नाम पर जमकर रिश्वत ले रहा था। बस्ती जिले में सभी ब्लॉक में कार्यरत CHO ने मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने 6 महीने से बकाया PBI और वेतन जल्द जारी किए जाने की मांग की। इसके बाद उन्होंने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अब नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर, जहां धर्मनगरी हरिद्वार की पॉश कॉलोनी बिल्केश्वर में जंगली जानवरों के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिनों पहले कॉलोनी में गुलदार का वीडियो वायरल हुआ था और कॉलोनी में दहशत फैल गई थी। अब एक बार फिर जंगली हाथी के कॉलोनी में आने से वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें बिल्केश्वर कॉलोनी राजा जी टाइगर रिजर्व से लगी हुई है और आए दिन यहां जंगली जानवर कॉलोनी में घुस जाते हैं। और अंत में नजर डालते हैं राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात राजधानी के बगरू कस्बे की, जहां नगर पालिका में मंगलवार को पालिका अध्यक्ष मालूराम मीणा की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हंगामेदार रही। पाली के सुमेरपुर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण के तहत शिविर का आयोजन किया गया जिसमें वार्ड नंबर 1 से 35 तक शिविर आयोजित किए गए। धौलपुर की धौरे ग्राम पंचायत स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में बीती रात करीब 1 दर्जन बदमाशों ने हमला बोल दिया। बदमाशों ने मजदूर से मारपीट कर उनसे मोबाइल और नकदी छीन लिए। इसके बाद सभी बदमाश फरार हो गए। सीकर के नीमका थाना में राजकीय SNKP कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कॉलेज में 20% सीटों की बढ़ोतरी और प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू किए जाने की मांग की।
भरतपुर जिला कलेक्टर ने मंगलवार को एक अजीब वाकया देखने को मिला, जहां एक जिंदा व्यक्ति अपने आप को जिंदा साबित करने की मांग को लेकर अधिकारियों की दर्द पर पहुंचा। सेवर थाना क्षेत्र के श्रीनगर गांव निवासी पीड़ित महेश चंद गुर्जर का आरोप है कि परिजनों ने उसे मृत घोषित कर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया और संपत्ति हड़प ली। भरतपुर के श्रम कार्यालय में इंटर्नशिप का कार्य कर रही दो युवतियां और शिक्षा विभाग में इंटर्नशिप कर रही एक युवती मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने वेतन भत्ते दिए जाने की मांग की। इधर श्रम विभाग ने युवतियों पर उपस्थित नहीं होने का हवाला दिया। जालौर में मोदरान के बसड़ा धनजी गांव में दुधारू पशुओं में फैली लंपी स्किन बीमारी का इलाज शुरू कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से ग्रामीणों के सहयोग के साथ गायों को काढ़ा और धूप कपूर जैसे उपाय कर इलाज किया जा रहा है। भरतपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन, जिसमें 100 यूनिट रक्तदान हुआ। शिविर में एमबीबीएस छात्रों ने भी किया बढ़ चढ़कर हिस्सा। पाली के सुमेरपुर में बुधवार को कोविड 19 वैक्सीनेशन महाअभियान का आयोजन, जिला कलेक्टर और सीएमएचओ के निर्देश पर हो रहे आयोजन के दौरान अधिक से अधिक संख्या में युवाओं ने लगवाई वैक्सीन। जालौर के लियादरा सरपंच राणा राम ने ग्राम पंचायत क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए सराहनीय पहल की है। इसके तहत उन्होंने मंगलवार को ग्रामीणों की मौजूदगी में पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। इसके तहत गांव में 1000 पौधे लगाए गए। राजधानी स्थित जेकेके में युवा शास्त्रीय संगीत समारोह के दूसरे दिन भी युवा कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। रंगायन सभागार में राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर की छाप छोड़ चुके कलाकारों ने वायलिन, शास्त्रीय गायन, पखावत, कथक की ऊर्जावान प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। तीसरे दिन बांसुरी वादन, शास्त्रीय गायन, तबादला वादन, कथक की प्रस्तुति दी जाएगी। ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान 2022 का ग्रैंड फिनाले आयोजन हुआ। बिरला ऑडिटोरियम में होने वाले फिनाले के आयोजन को लेकर मंगलवार को फोटोजेनिक फेस एक्टिविटी का आयोजन किया गया। इसके तहत 22 गोदाम स्थित एक निजी होटल में सभी फाइनलिस्ट ने अपने फोटोशूट कराए। जोधपुर के मंडला खुर्द में पालीवाल प्रतिभा सम्मान समारोह के पोस्टर का विमोचन। बता दें 7 अगस्त को नगर पालिका टाउन हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समाज के नव नियुक्त सरकारी सेवा में चयनित युवा प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा और स्नातक स्नातकोत्तर के साथ कक्षा 11-12 में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। राजधानी स्थित राधा दामोदर मंदिर में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत कथावाचक आशीष व्यास महाराज ने मंगलवार को शिव पार्वती विवाह का प्रसंग सुनाया। साथ ही इस दौरान शिव जी की भव्य बारात भी निकाली गई। दौसा के बांदीकुई में मंगलवार को हुई अच्छी बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। दोपहर बाद आई बारिश के बाद जहां कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, वहीं तापमान में कई डिग्री गिरावट दर्ज की गई। शहर में पानी के निकास की सही व्यवस्था नहीं होने और नालियों की सफाई नहीं होने के चलते सड़कों पर लबालब पानी भरा। जयपुर की फिट बॉडी एंड सोल संस्था का एक स्पेशल टेबल लेइंग सेशन टोंक रोड स्थित सलोनी सिलेक्शन के स्टोर पर आयोजन किया गया, जिसमें डेकोर डिजाइनर आस्था गुप्ता ने मेंबर्स को अपने घरों को सुंदर और ट्रेंड्स के हिसाब से डेकोरेट करना सिखाया। सलोनी सिलेक्शन के ऑनर अचित जैन ने बताया कि इस वर्कशॉप में राखी के त्यौहार को देखते हुए होम डेकोरेशन की जानकारी दी गई। जयपुर में पीएचईडी स्पोर्ट्स क्लब के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटक राजस्थान की ओर से जवाहरनगर स्थित वाटर वर्क्स कार्यालय में कर्मचारी नेता मांगीलाल शर्मा की 29वीं पुण्यतिथि पर शिविर का आयोजन। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान महादान के तहत मांगीलाल शर्मा को दी गई श्रद्धांजलि। मौके पर भाजपा का विधायक कालीचंद सराफ ने कहा, कोरोना काल के बाद रक्त की अधिक आवश्यकता महसूस हुई।
जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला मंगलवार को कोटपुतली पहुंचे। यहां सूरजमल जाट छात्रावास में युवाओं ने उनका स्वागत किया। दिग्विजय सिंह चौटाला मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अपने छात्र संघ चुनाव में जननायक जनता पार्टी पूरे प्रदेश में बड़े जोश और उत्साह के साथ चुनाव लड़ेगी और सीट को हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इसमें बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इस दौरान विभिन्न विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद योगी सरकार ने प्रेसवार्ता की। इस प्रेसवार्ता में कैबिनेट मंत्री एके शर्मा और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 अगस्त को 122 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इस दौरान डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली 25 गाड़ियां, 10 इलेक्ट्रिक बसों और 2 ई टूरिस्ट बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी नगर निगम में करीब 61 करोड़ की लागत से 148 कार्यों का शिलान्यास और 47 करोड़ रुपए की लागत के 270 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। एवन तेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।